ये कैसे उसके लिए कब्र खोद सकते हैं मालिक? खबरदार, आज के बाद किसी की जुबान से मैं इनकार बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिस रात तुमने हवेली की दहलीज पार की थी, उस रात तुमने 5 खून किए थे। मेरी गैरत का खून, मेरी इज्जत का खून, मेरे खानदानी वकार का खून, अपनी मां की हसरतों का खून और मेरा खून इंसानों की दुनिया के दस्तूर की किताब में खून का बदला खून होता है। ना चाचा, ना ना। बापरी, बोल दिया ना, ना। जा इश्का, तेरे मर जान सारे, जूंदियां मार मुकावे। बुक बुक पीवे खून जिगर दा, मास तिलां दा खावे। जिस पंछी ने पिंजरे में वापस आना होता है ना, उसे पिंजरा तोड़ने से पहले ये जरूर सोच लेना चाहिए कि दरवाजे के टूटने से किसी का दिल, किसी का मान, किसी का रिश्ता और किसी का गुरूर भी टूट सकता है। हाँ, अगर नहीं टूटती तो वो आस होती है और वो आस मेरी है। इसे मैं कभी टूटने भी नहीं दूंगा। Ah!
बाबा जी, सुना है कि माही मिल गई है। जी हाँ। चलो अच्छा हुआ, अब कोई जज्बाती फैसला मत करना, मैं कल हवेली आऊंगा। अच्छा ठीक है। बाबरी। जी चाचा। तू कुछ देर आराम कर ले। खुशबख्त को फोन करके इसलिए बताया है ना तूने? वो तेरी बेटी को बचा लेगा? हमारे मुकद्दर में रसवाई लिखने वाली तेरी बेटी का मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ मौत है, मौत। टॉम, हमें देखकर आप हैरान क्यों हो गई? तुम यहां क्यों आए हो? शिकायत करने आए हैं। शिकायत? तुम्हारी बेटी ने स्कूल के बारे में हमारे खिलाफ शिकायत की, मगर हमें बुरा नहीं लगा। तुम मां बेटी को इलाके का SHO चर्च फरोशी के इल्जाम में उठाकर ले गया, मेरे बेटे ने बचाया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि तुम्हारी बेटी हमें अच्छी लगी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा सरकार। आपकी बेटियों जैसी है। बेटियां तो प्यारी ही लगती हैं। ये कौन है? मैं आपके दोस्त अब्दुल का बेटा। अच्छा अच्छा, फिर तो तू मेरा ही बेटा हुआ ना। तेरा बाप भी अच्छा आदमी था, लेकिन ज्यादा देर जिंदा ना रहा। तू भी अच्छा लड़का लगता है, अल्लाह करे कि तू ज्यादा देर जिंदा रहे। कोई काम शाम हो तो बताना, कभी हवेली चक्कर लगाना, और इस मां बेटी को भी समझाना कि दरिया में रहकर मगरमच्छों से बैर नहीं डालते।